हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, ईद मुबारक। सिंगापुर के इस बेहद खूबसूरत शाम में सबका फॉर्मूला 44 के मेडिटेशन ध्यान की विधि के ऊपर चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। वीकेंड में हम एक वीडियो बनाते हैं और कैसे जो हमारे वीक की जो मेडिटेशन है कैसे उसको करें ताकि अपने मन पर नियंत्रण की मात्रा को बढ़ाते चलें। और जब हम अपने मन पर जो कंट्रोल है उसको बढ़ाते हैं तो फॉर्मूला 44 के जो बाकी 7 मुख्य अंग हैं उन पर भी हमारा अधिकार होने लगता है। एक बार तो पहले फॉर्मूला 44 को याद कर लें कि हर दिन हमें एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स और नट्स हमें लेना चाहिए और 2 हेल्पिंग्स, 2 पोर्शंस फल का, फ्रूट्स का, स्वादिष्ट, ताजे, हमें जो अच्छे लगते हों, फ्रेश वैसे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। और सुबह जब हम उठते हैं तो गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, कम से कम 2-3 ग्लास, और धीरे धीरे उसका सेवन करें, आधा घंटा 45 मिनट्स में। और लंच और डिनर में जो भी हम खा रहे हों उसके साथ अन्न की मात्रा, वेजिटेबल्स की मात्रा, ग्रीन दाल, लेंटिल्स, पल्सेस, ऐसे पदार्थों की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो, ये है फॉर्मूला 44 के खाने के नियम। और 4 एक्सरसाइज के जो नियम हैं वो हैं कि हम एक राउंड मेडिटेशन का करें, ध्यान का करें, 2 राउंड्स वॉकिंग का करें, टहलें हर रोज, 3 राउंड्स प्राणायाम का करें, ब्रीदिंग टेक्निक्स, और 4 राउंड्स सूर्य नमस्कार का। तो 1-2-3-4 और फिर 1-2-3-4, खाने के 1-2-3-4 नियम और एक्सरसाइज के 1-2-3-4 नियम। अगर ये 8 कार्य हम हर रोज कर रहे हैं, जितनी मात्रा में भी करें, धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते चलें, तो फिर हमें अपने जीवन में परिवर्तन बिल्कुल नज़र आएगा। और कई लोगों ने हमें संदेश दिए हैं कि फॉर्मूला 44 से बड़ा ही लाभ हुआ है उनको। सिंपल फॉर्मूला है, हम जैसे ऑफिस गोअर्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस का एक अनोखा उदाहरण है। तो इसमें हम ध्यान की विधि में भगवद गीता के श्लोकों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने एक अंग्रेजी में वीडियो बनाई और हमने कोशिश की कि हर अध्याय से एक श्लोक ली जाए और हम उस पर रिफ्लेक्ट करें। तो कम से कम जितने समय हम उन श्लोकों को याद कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, और जिस रूप में ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को जानते हैं, उससे याद करके अपने जीवन को स्पिरिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन श्लोकों का लाभ उठाते हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक श्लोक पकड़ेंगे भगवद गीता के हर अध्याय से। अंग्रेजी वाला मैंने अभी रिव्यू किया तो देखा कि 2 जगह मैंने गलती की। 8th चैप्टर की जो श्लोक है उसमें थोड़ी त्रुटि थी और एक और जगह थोड़ी त्रुटि थी। तो ऐसे हमारी कोशिश रहेगी
तो धीरे धीरे हम श्लोकों को भली भांति सीख कर और फिर ध्यान विधि में इसका प्रयोग करेंगे और मन को हरि गुरु के चरण कमलों में अर्पित करेंगे। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन बहुत कठिन स्थिति में अपने को पाते हैं। युद्ध आरंभ होने वाला है, लेकिन उनका जरा भी थोड़ी भी उनकी इच्छा नहीं है कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर है, अपनों को मारने की ही बात है। तो नेचुरली अर्जुन व्यथित हैं, लेकिन युद्ध को टाला भी नहीं जा सका, युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है, तो अब उन्हें ड्यूटी करनी है और इसका ज्ञान श्री कृष्ण उन्हें देने जा रहे हैं। तो पहले श्लोक से 15वें, पहले अध्याय से 15वें श्लोक को लेते हैं। पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने अपने शंख पांचजन्य को, अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को और भीम ने अपने शंख पौंड्र को उन्होंने फूका और युद्ध की घोषणा की। दूसरे अध्याय से एक श्लोक पकड़ते हैं, दूसरा अध्याय यानी शांख योग, जिसमें एनालिसिस किया गया स्पिरिचुअल साइंस का। तो जो श्लोक मैंने अंग्रेजी वाले वीडियो में लिए थे वही श्लोक दोहराते हैं। तो ये श्लोक है 270, 17वां श्लोक। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामा यह प्रविशंति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी। इसका अर्थ, जैसे समुद्र में हजारों लाखों नदियां प्रवाहित होती हैं लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, बिल्कुल शांत रहता है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि योगी का मस्तिष्क, योगी का मन भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे हजारों लाखों आकांक्षाएं, इच्छाएं जागृत हो रही हैं चारों तरफ से, बलवती हो रही हैं, हमें प्रोवोक कर रही हैं, हमें अटेम्प्ट कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, लेकिन योगी हर अपनी इच्छाओं में इस तरह से बहता नहीं है, जैसे समुद्र निश्चल रहता है, वहाँ से यह सीख लेनी चाहिए। तीसरा अध्याय कर्मयोग, जो श्लोक हमने सोचा वो है तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक, जिसमें कहा गया धूमेना व्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे ना वृतो गर्भस तथा तेनेद मावृतम। बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि डिज़ायर्स, जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, जो हम आकांक्षाएं, कल्पनाएं और ये सब सांसारिक सुख की अभिलाषा करते रहते हैं, उसमें क्या खतरा है उसका वर्णन है। इससे हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है और हम सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर हम भूल कर जाते हैं और इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए डिज़ायर्स के ऊपर जो कंट्रोल है उसकी बात यहाँ की गई है, और ऐसे की गई कि जैसे धुआं अग्नि को ढक लेती है, जैसे दर्पण को धूल ढक लेती है, और जैसे गर्भ में जो भ्रूण है वो आच्छादित है गर्भ से, वैसे ही अच्छे से अच्छे ज्ञानी समझदार व्यक्ति का भी मन डिज़ायर्स, इच्छाओं की वजह से विचलित हो जाता है। चौथे अध्याय में बड़ा ही एक सुंदर श्लोक है, 7वां श्लोक शायद, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, चौथा अध्याय मतलब ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अब अपने बारे में बतला रहे हैं कि मेरा जो जन्म है और कर्म है वो सब दिव्य है, और ये ऐसा एक ज्ञान है, ये रहस्य है, जो इसको जानता है वो इस माया संसार से पार हो जाता है।
वो फिर वापस नहीं आता इस संसार में, सदा के लिए वो आनंद की प्राप्ति कर लेता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास जिसे कहते हैं, जहाँ पर कर्म योग के साथ तुलना की गई कर्म संन्यास का, और कर्म संन्यास के इस अध्याय में एक श्लोक है जिसमें कहा गया, विद्या विनय संपने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैवा शोपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी कौन है कृष्ण की नज़र में? वो जिसे ये जो भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जिस रूप में जानते हैं उसको हर जगह दिखलाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे ब्रह्म के रूप में भगवान हर कणकण में व्याप्त हैं, लेकिन पर्सनालिटी में भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं। तो जैसे अगर कोई ब्राह्मण हो या हाथी हो या गाय हो या कुत्ता हो या कुत्ता को खाने वाला चांडाल हो, इन सब में उसी भगवान, उसी ब्रह्म, उसी परमात्मा को देखता हो, उसी परमात्मा को देखता हो, वो ज्ञानी है। वो उसके सामाजिक स्तर और शारीरिक व्यवस्था के अनुसार अपने भाव को परिवर्तित नहीं करता है, वो उसके अंदर, सबके अंदर उसी तत्व को देखता है, ईश्वरीय तत्व को, तो वो समदर्शी है, वो ज्ञानी है, ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा। 15वां श्लोक है शायद, मैं भूल रहा हूँ। अब चलते हैं 6ठे अध्याय में, ध्यान योग। इसमें श्लोक है, चंचलम ही मन कृष्णम प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। ध्यान योग में अर्जुन कहते हैं भगवान से कि भगवान आप कह रहे हैं कि मन पर नियंत्रण करो, लेकिन कैसे नियंत्रण करूं? मन पे नियंत्रण करना तो वायु को रोकने के बराबर है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, और बाद में भगवान ने बतलाया अगले श्लोक में कि मन पर नियंत्रण असंभव नहीं है अगर वैराग्य और अभ्यास करें तो। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, दोनों को बतलाया गया। बड़ा सुंदर श्लोक है 3रा, मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों में से एक व्यक्ति अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन उन हजारों हजारों में से एक ही व्यक्ति हमें जान पाएगा, क्योंकि जिस तरह का लगन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, वो कम ही लोग कर सकते हैं। ये भगवान ने इस बात को भी दोहराया है, इतना आसान भी नहीं है। वैसे भक्ति के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी मन में भगवान को बिठाए रखना इतना आसान भी नहीं है, यह भगवान यहाँ कह रहे हैं। ये हमारे ऊपर है, हमें आज़ादी है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि हम चूक जाते हैं। फिर 8वें अध्याय में भगवद गीता का सारांशी है, 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशय। इंग्लिश वाले में मैंने इसमें गलती की थी, लेकिन अभी ये सही श्लोक मैंने पढ़ा कि अर्जुन आपके लिए यही भगवद गीता का सारांश है, संदेश है, कि आप युद्ध में पीछे न हटें, अपने कर्तव्य को करें भली भांति, लेकिन मुझे भूले नहीं, मुझे याद रखें, बस सब कुछ संभल जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, हम जब प्रोजेक्ट करते हैं या अपने घर का कोई कार्य करते हैं, या हर समय अगर हम इस बात को याद रखें कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करने को, हमारी मदद करने को तत्पर हैं, और फिर हम अपना कार्य करें, तो वो कर्म योग हो गया और सब कुछ शुभ और सुखद और प्रभावशाली बन जाता है। 9वां अध्याय राजविद्या योग, जिसमें कहा गया कि ये जो ज्ञान है, ये सभी ज्ञान का सरताज है, सर्वश्रेष्ठ है, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज। तो इसका श्लोक है
दूसरा श्लोक राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो राजविद्या है, भगवद गीता की जो ज्ञान है, वो सभी ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा ही सीक्रेट है, रहस्यमय है, लेकिन करने में बहुत आसान है। इसका जो स्वरूप है वो बड़ा ही मधुर है, आसानी से इसे किया जा सकता है और सब कुछ शुभ होता है और धर्म के अनुसार है। इस तरह की बहुत बातें भगवान ने इस श्लोक में कहा, नौवें अध्याय में। और दसवें अध्याय विभूति योग, भगवान ने अपनी विभूतियों का, उनकी जो विभूतियां हैं वो अनंत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के पास न हो। अनंत उनकी बुद्धि, रूप, ज्ञान, सब कुछ अनंत है भगवान का। तो वो कहते हैं दसवें अध्याय में आठवें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं सबसे नंबर वन पर हूँ, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ का कारण मैं ही हूँ, आदि अंत मध्य सब कुछ मैं ही हूँ, अहम सर्वस्य प्रभव। ऐसा अगर कोई जानता है मुझे, बस वो सही जानता है और फिर मेरी इबादत करता है, मेरी उपासना करता है। या 11वें अध्याय भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिलाया, उस अध्याय में अर्जुन 38वें श्लोक में भगवान को कहते हैं, त्वम आदि देवम पुरुष पुराण तोमश्य, त्वम आदि देव पुरुष पुराणश तोमश्य विश्वस्य परमं निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। भगवान आप अनादि हैं, अजन्मा हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप परम पुरुष हैं। ऐसे कितनी उपाधियां अर्जुन ने दी जब भगवान ने उनको अपना दिव्य रूप दिखलाया, जिस दिव्य रूप में करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों पृथ्वी हैं, सभी मनुष्य देवता पशु पक्षी सभी उसमें दिखलाई पड़ते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब भगवान का वो स्वरूप अर्जुन ने देखा और डर गए। फिर भगवान को अर्जुन कहते हैं कि आप अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाइए। तो ये दिव्य दर्शन रूप 11वें अध्याय में। फिर 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसका श्लोक जो मैंने चुना वो है 16वां श्लोक या 15वां श्लोक, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान अपने भक्तों की क्वालिटीज का निरूपण कर रहे हैं कि हमारा भक्त कैसा होता है। तो अनपेक्ष होता है, उसे अपेक्षा नहीं होती। सुचिर बाहर अंदर दोनों से पवित्र है, दक्ष एक्सपर्ट है, सब काम बढ़िया से करना जानता है, उदासीन है, एक दूसरे किसी बात पर किसी का फेवर नहीं करता, न्यूट्रल रहता है, गतव व्यथा ज़्यादा ये सफरिंग वगैरह दर्द व्यथा उसे नहीं होती, वो जानता है कि दर्द और व्यथा का कारण क्या है। ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जिसमें क्षेत्र मतलब हमारी जो शरीर है, जिसमें सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर तीनों हैं, ये शरीर है, ये क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ कौन है, इसका ज्ञाता जो आत्मा है वो इसको जानती है। तो ये जो अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, इसमें बड़ा ही सुंदर निरूपण है योगी का, भक्त का, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम अस्थैर्यम आत्मविनिग्रह। शुरू के श्लोक है, 7वां श्लोक है शायद, जिसमें इन क्वालिटीज़ का वर्णन है कि मान से हीन है, दंभ नहीं है, पवित्र है,
आचार्य की उपासना करता है, स्थित प्रज्ञ है, ये सब क्वालिटीज़ योगी की है, भक्त की है। 17वां अध्याय, एक अध्याय छूट गया, 14वां अध्याय। 14वां अध्याय में पहला श्लोक है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमः यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम मितोगता। ये जो अध्याय है इसे कहते हैं गुणत्रय विभाग योग। भगवान इसमें तीनों गुण की बात करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और पहले अध्याय में, पहले श्लोक में कहते हैं कि मैं फिर से अर्जुन आपको सब कुछ बतलाता हूँ, ये ज्ञान ऐसा है जिससे बड़े कई मुनि ने इसे पाकर अपने आप को उस भक्त परम भक्त की श्रेणी में चले गए, भगवान को प्राप्त किए। 15वां अध्याय वो है पुरुषोत्तम योग, जिसकी श्लोक है 15वां, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। पुरुषोत्तम योग में भगवान अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का निरूपण करते हैं, अर्जुन को बतलाते हैं कि अर्जुन मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, वेद मेरे से ही बने हैं और वेद को सिर्फ मैं ही जानता हूँ पूरी तरह से। और ये जो फॉरगेटफुलनेस है, मेमोरी है, स्मृति या भूलने की बात, ये सब मेरे द्वारा ही बनी हुई है और मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। 16वां अध्याय दैवाशूर संपद विभाग योग, जिसमें डिवाइन और डेमोनिया क्वालिटीज़ की बात की गई, उसका पहला श्लोक है अभयम सत्यम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम। फिर यहाँ पर दैवी गुणों की बात की गई कि कैसे जो दैवी गुण है वो है सत्य, अक्रोध, ज्ञान, दान, दम, शौच, इनकी बात की गई। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में बड़ा ही सुंदर निरूपण है सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का। जो श्लोक में हमने चुना वो है स्पीच के ऊपर कि कैसे हमारी स्पीच होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। ऐसी हमारी स्पीच हो जिससे कोई उत्तेजित न हो, जिसमें सत्य हो, जिसे सुनकर सुनने वाले का लाभ हो, उनकी हानि न हो, जो सुनने में प्रिय लगे। और अपनी वाणी का प्रयोग हम भगवान के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उसका स्वाध्याय अध्ययन में भी लगाएं। यह है श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय। और अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में जो श्लोक हमने चुने थे वो है अंतिम श्लोक, जिसमें संजय ने पूरे भगवद गीता को एक ऐसे सुंदर शब्दों में बतलाया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। मेरा यह मत है, संजय कहते हैं जिन्होंने पूरी भगवद गीता को सुना और धृतराष्ट्र को सुनाया, कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर विजय ही विजय होंगे, वहाँ पर लक्ष्मी रहेंगी, वहाँ सब कुछ शुभ होगा, वहाँ सब कुछ पॉजिटिव और परिपूर्ण और विभूतियों से भरी, धर्म से पूरी तरह से रक्षित, ये सब कुछ भगवान कृष्ण के रहने से और अर्जुन जैसे भक्त के रहने से ही संभव है, ऐसा संजय ने बतलाया। तो ये है भगवद गीता का निचोड़। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करें तो मेडिटेशन हमारी अच्छी बनेगी। अभी तो हम मैदान में घूमकर मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जब बैठें एकांत में और पद्मासन में रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, आँखों को बंद करके मुद्रा की स्थिति में जब बैठें, तो रिफ्लेक्ट करें कि आज हमने इन श्लोकों को
जानने की कोशिश की और कैसी रहस्यमय है यह भगवद गीता द सॉन्ग ऑफ गॉड, जिसमें ऐसी अनोखी बातें कही गई हैं हमारे कल्याण के लिए और ये सबको उपलब्ध है, तो क्यों ना हम इसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।